हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त जहीर, और मैं इस वक्त हूँ बांद्रा टर्मिनस पे। टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की जो जर्नी है वो है मुंबई टू न्यू दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन इन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बांद्रा टर्मिनस पे। हाँ, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। एंटर होते ही सीधा पहली सीट हमारी, सीट नंबर 71। चलिए सामान पहला नीचे रख देते हैं। ओ भाई साहब, बहुत गर्मी थी बाहर, एसी में आके ज़रा अच्छा लग रहा है। अब सबसे पहला सारा सामान रखता हूँ, एक तो नीचे रख दिया हूँ, ये मेरा ब्लॉगिंग का पूरा सामान है, सो ये भी यहीं रख देता हूँ। सो मेरी सीट है साइड लोअर, सीट नंबर 71। थोड़ा बाहर चलते, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, और फिर बाद में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करता हूँ। ये बात करते हैं कि इसके चार्जेस वगैरह कितने हैं, इसके फेयर कितना है। सो इसमें है 3 जनरल कोच जिसका प्राइस है लगभग 370 रुपये, 6 स्लीपर कोच है जिसका प्राइस है लगभग 600 रुपये, और 6 थर्ड एसी है जिसका कॉस्ट है अराउंड 1600 रुपये। जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो थर्ड एसी है, आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा। और उसके बाद 2 है सेकंड 2 टायर एसी जिसका कॉस्ट है 2300 रुपये, और 1 फर्स्ट क्लास है फर्स्ट एसी है जिसका कॉस्ट है 3900 समथिंग, 4000 के करीब। बोतल ले लिया अपनी ठंडी पानी की बोतल, काम आएगी। वैसे तो अंडर पेंट्री है बट फिर भी एक लेके रख लिया हूँ साथ में। यहाँ पर खड़ी है बारहवें बांद्रा टर्मिनस हमसफ़र एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है। वक्त हो रहा है 5:05, और फिलहाल तो ये यहाँ से बांद्रा अजमेर ट्रेन डिपार्ट हो रही है। बस इसके पीछे पीछे हमारी ट्रेन भी चलेगी, और इसे हम रास्ते में ओवरटेक भी करने वाले हैं। तो रास्ते में कहीं ना कहीं ये आउटर पे खड़ी होगी और हम इसे ओवरटेक करके आगे की तरफ जा रहे होंगे। मुंबई से दिल्ली जाना हो तो न जाने कितनी सारी ट्रेन्स है जो मुंबई से दिल्ली के लिए जाती है, जैसे कि राजधानी है, ऑगस्ट क्रांति है, दुरंतो है, सारी प्रीमियम ट्रेन यहाँ से दिल्ली के लिए जाती है। बट आई थिंक उन सबसे बेहतर, मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके हॉल्स बहुत कम है और वक्त उतना ही लेती है जितनी कि एक राजधानी ट्रेन लेती है। तो जैसे कि राजधानी है जो कि लेती है लगभग 15 घंटे लेती है, ऑगस्ट क्रांति जो है वो लेती है 16 घंटे, और हमारी संपर्क क्रांति जो है वो लेती है अराउंड 16.5 घंटे ये भी लेती है। सो आप यकीन नहीं करोगे कि इसके हॉल्ट राजधानी और ऑगस्ट क्रांति और दुरंतो से भी कम है। बांद्रा से निकलती है ये 5:30 बजे, और हमारा पहला हॉल्ट होगा जो होगा बोरीवली, जो कि मुंबई में ही होगा। फिर अगला जो हॉल्ट होगा वो होगा मुंबई से निकल के हम पहुंचेंगे वडोदरा, जो कि गुजरात में आता है। वडोदरा के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा कोटा जंक्शन, जो कि आता है राजस्थान में, और फिर उसके बाद आखिरी स्टॉप सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली। चलिए आपको इंटीरियर भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। ये सीट खोल दरवाज़ा खोलते ही ये मेरी सीट है, सीट नंबर 71। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर, साफ़ सुथरा, और ये मैं हूँ। रीडिंग लाइट वगैरह नहीं है, थोड़े पुराने कोच लग रहे हैं, बट एटलीस्ट चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब जगह दिया हुआ है। यहाँ पर एसी का वेंट, ऊपर भी वेंट है। यहाँ पर नाइट बल्ब, घर में हम लगाते वही नाइट बल्ब एलईडी। इसके अलावा काफ़ी क्लीन है ये ट्रेन। सो लीजिए, ठीक 5:30 पर हमारी जर्नी शुरू हो गई। लगभग दो महीने के गैप के बाद में फाइनली एक जर्नी फिर से शुरू हुई। चलिए आप लोग डिपार्चर देखिए, हम फिर बात करेंगे।
लगभग 20 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बोरीवली, जो कि हमारा पहला हॉल्ट है। 5:50 का टाइम था और 6 बज रहे, तो हम लोग 10 मिनट देरी से चल रहे हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, 10 मिनट की देरी भी नहीं होती है। सो अभी 20 किलोमीटर की ये जर्नी पूरी करने के बाद अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा वडोदरा। लगभग 450 किलोमीटर की पूरी जर्नी पूरी होने के बाद हम लोग पहुँचेंगे। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन फिर से डिपार्चर ले चुकी है बोरीवली से। अभी रात को भी कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो बाजू में जाके मैं कुछ ना कुछ ले सकता हूँ। शाम के वक्त लेकिन यहाँ खड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है ना, एक अलग ठंडी हवा आती है, लेकिन आज इतनी ठंडी हवा है नहीं, आज काफ़ी गर्म हवा आ रही है। अभी जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो होगा वडोदरा, जो कि होगा लगभग बोरीवली से वडोदरा जो है लगभग 360-370 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 4.5 घंटे लगेंगे वडोदरा पहुँचने में, यानी कि लगभग रात के 10:30 बजे के करीब हम पहुँचेंगे वडोदरा। खूबसूरत सा नज़ारा सनसेट का दिख रहा है, 3 अलग अलग डिफरेंट शेड दिख रहे हैं मुझे कलर के, लाल, ऑरेंज, ब्लू, इनफैक्ट थोड़ा वाइट भी दिख रहा है, वहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर वाइट और यहाँ पर ब्लू। एक चाय वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर एक चाय आ जाएगी यहाँ खड़े रह के, या तो फिर ये यहाँ पर छोटी सी सीट पे बैठ के ये खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करना, एक चाय की चुस्की लेना, बहुत सुकून लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, फुल ऑन एंटरटेनिंग है, फुल ऑन एंटरटेनिंग। ये फिलहाल हम लोग वैद्यनाथ स्किप कर रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, उसकी खुशबू यहाँ तक इतनी ज़बरदस्त आ रही है, साथ में आप लोग खुशबू भी सुना सकता, तो आई एम श्योर कि वो समोसा भजिया ऐसे ही कुछ फ्राई आइटम बन रहा है उधर। बहुत देर के बाद चाय मिली है, बाकी चाय तो वही चाय के नाम पे सिर्फ गर्म पानी है, लेकिन अभी ट्रेन में तो यही सब है, अभी ट्रेन में वैसी चाय तो मिलेगी नहीं, पर ठीक है, लेकिन ये भी चाय मज़ा ही आ जाती है।
ट्रेन वापी को स्किप कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई हॉल्ट नहीं है टिल वडोदरा। हम ऐसे ही सारे बड़े बड़े जंक्शन को स्किप करते चले जाएंगे। जाके ना मैं पानी की बोतल ले लेता हूँ यार, पानी नहीं है मेरे पास। अरे नहीं है भाई, वो 500 की नोट है, वो भी ले रहा नहीं कोई मेरे से। चलिए जी, हमारा खाना आ गया, अब इसको रखते हैं, जब ट्रेन निकलेगी तब हम खा लेंगे। लीजिए, 550 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टेशन कोटा जंक्शन पे। अब ये हमारा तीसरा और लास्ट स्टेशन है, इसके बाद बस अपना डेस्टिनेशन ही आने वाला है। वक्त हो रहा है 4:40, जहां हम आधा घंटा लेट चल रहे थे, अब हम ऑन टाइम आ गए हैं अभी। अब चाय पियेंगे ज़रा यार, सुबह सुबह के 4 बज रहे, चाय तो बनती है, चाय वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा यहाँ पर। आँख नहीं खुल रही थी यार, नींद में था ना एकदम, 4 बजे आँख नहीं खुल रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, आराम से बाहर खड़े रह के चाय पी सकता हूँ। जरा पेंट्री कोच मस्त, अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है अंदर, अगले 1-2 घंटे बाद में इन लोग भी आ जाएंगे सुबह सुबह परेशान करने के लिए। ठीक 10 मिनट में हमारी गाड़ी कोटा से फिर से रवाना हो रही है, और जो अगला स्टेशन होगा वो होगा हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि हमारा लास्ट स्टेशन है। दिस इज डे 2, हमारी जर्नी का सेकेंड डे है, और अभी वक्त हो रहा है
6:30 बज रहे और सनसेट तो हो चुका है। तो ये देखिए एक खूबसूरत सी सुबह, ठंडी हवा आ रही है। ये देखिए क्या खूबसूरत सी सुबह है यहाँ की, और ठंड ज़बरदस्त ठंड हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठंडी लगेगी, दरवाज़ा खोलते ही इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा आ रही है। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो फिलहाल हम लोगों ने माधवपुर जंक्शन को क्रॉस किया है, स्किप किया है। खैर हमारा स्टॉप तो कोई है नहीं है, बस इधर अर्जुन एग्जाम भी मिलने वाले हैं। बस सवाई माधवपुर क्रॉस किया है, गंगापुर सिटी आने वाला है, जो कि उसे भी स्किप ही करने वाले हैं। वैसे नॉन स्टॉप ट्रेन का ना एक नुकसान भी बहुत बड़ा है यार। अब मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि कुछ ब्रेकफास्ट करूँ या कुछ नाश्ता करूँ। सुबह 6 बजे से उठा हूँ, नाश्ता अभी तक कुछ नहीं आया। अब नाश्ते के अंदर अगर आप पूरा हम डिपेंड रहते हैं पेंट्री कार के ऊपर कि पेंट्री में से खाना आएगा, नाश्ता आएगा तो हम नाश्ता कर पाएंगे। अगर कोई स्टेशन वगैरह पे रुकती है तो ये हमारे पे एडवांटेज हो जाता है कि चलो स्टेशन से ले लेंगे, हमको पेंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। छोटा फॉन्ट है कि वो दिख भी नहीं रहा था यार। पता नहीं कहाँ की ट्रेन थी, कहाँ जा रही थी। तो वक्त रहा है कितना, 8:13 और हम पहुँच चुके हैं मथुरा पे। तो मथुरा तो जैसे कि पता है कि कहीं रुकने वाली नहीं था, मथुरा भी स्किप ही करने वाले हम लोग। तो फिलहाल मथुरा को हम लोग स्किप कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे स्किप हो रही है। आ जाओ सामने निजामुद्दीन से नागपुर की ट्रेन खड़ी है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। ट्रेन ऑन टाइम थी, बिल्कुल भी डिले नहीं हुई है। और बात करूँ अगर मैं इसकी जर्नी की, जर्नी बहुत अच्छी रही है। हाई प्रीमियम की ट्रेन जैसी होती है वैसी ही इसको भी प्रायोरिटी मिली है। एग्जैक्टली 16 घंटे में बांद्रा मुंबई से हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए, बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, अपना हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर जहाँ भी जाओ एस्केलेटर बंद ही मिलता है यार, चल के जाना पड़ता है। और भैया नहीं, बस यही है।